पिछले महीने एआई की दुनिया में धमाल मच गया। एक ही महीने में हमें बहुत सारे नए और इंटरेस्टिंग एआई अपडेट्स देखने को मिले। ओपन एआई ने चैट जीपीटी का नया वर्जन चैट जीपीटी 4o लॉन्च किया है और ये मॉडल सब कुछ बदल के रख देगा। वहीं गूगल और कैनवा ने अपने एग्जिस्टिंग मॉडल्स में कुछ ऐसे नए एआई फीचर्स ऐड किए हैं जो हमारी लाइफ को अल्ट्रा इजी बना सकते हैं। हर एक कंपनी इस एआई की रेस में सबसे आगे निकलने की कोशिश में लगी है, बिकॉज एआई इज द फ्यूचर। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको लास्ट मंथ के सबसे इंटरेस्टिंग एआई अपडेट्स का एक बहुत ही एक्साइटिंग राउंडअप देने वाली हूँ। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पर शुरू करने से पहले मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यू कैन ऑल्सो स्टार्ट फॉलोइंग मी ऑन माई इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम चैनल। सो स्टार्टिंग विद द अपडेट्स अनाउंस्ड बाय ओपन एआई, चैट जीपीटी का नया वर्जन चैट जीपीटी 4o अब लॉन्च हो चुका है विद अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग न्यू एआई फीचर्स। एंड द ग्रैंड न्यूज इज कि ये सारे यूजर्स के लिए एकदम फ्री है। अपार्ट फ्रॉम रिप्लाइंग टू योर टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स, चैट जीपीटी कैन नाउ इवन टॉक टू यू। Hi ChatGPT, how are you doing? In today's video, I'm giving a news roundup of all the amazing new AI features announced last month. I'm doing great. Thanks for asking. That sounds like a fantastic video idea. For indeed, a lot of exciting new AI features announced recently. ChatGPT 4o can now even see and analyze things and respond. Hey ChatGPT, can you please see the photo attached above and explain me in simple terms what dish this is? In the photo appears to be a beautifully plated gourmet meal. There's a piece of seared meat, likely a filet mignon or similar cut, surrounded by an assortment of colorful, neatly arranged vegetables. The vegetables include asparagus, carrots, and possibly bell peppers, all prepared in an artistic manner. Not only this, it can now even solve your math problems. इसके लिए आपको अपने मैथ के प्रॉब्लम की फोटो क्लिक करके चैट जीपीटी 4o में अपलोड कर देनी है, और अपलोड करने के बाद आपको मैसेज चैट जीपीटी वाले बॉक्स में एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट देना है, कैन यू प्लीज सॉल्व दिस मैथ्स प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप। और एंटर पे क्लिक करते ही चैट जीपीटी 4o आपकी मैथ्स प्रॉब्लम चाहे जितनी ही कॉम्प्लिकेटेड या सिंपल हो उसको स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा सॉल्व करके दे देगा। आपकी अगर कोई भी लंबी रिसर्च रिपोर्ट्स या पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स हो उन्हें पढ़ने की अब कोई भी जरूरत नहीं है, बिकॉज चैट जीपीटी 4o कैन समराइज दीज रिपोर्ट्स इन सेकंड्स फॉर यू। All that you have to do is upload this report here और message chat GPT वाले box में एक prompt देना है, please summarize this report and give me the highlights in 10 bullet points. Within 10 seconds, chat GPT 4o आपकी पूरी लंबी report को पढ़ के उसके highlights आपको 10 bullet points में लाके दे देगा। Chat GPT 4o can even see these charts and analyze them for you. इसके लिए आपको ये chart यहाँ पे upload कर देना है और message chat GPT वाले box में prompt देना है, please explain me this chart. एंटर क्लिक करते ही चैट जीपीटी 4o ने आपका पूरा ग्राफ रीड करके और एनालाइज करके आपको एक पॉइंट वाइज एनालिसिस बना के दे दिया है। इन सारे फीचर्स को डिटेल में समझने के लिए आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। नॉट जस्ट ओपन एआई बट इवन गूगल अनाउंस्ड अ होस्ट ऑफ न्यू एआई फीचर्स। स्टार्टिंग विद समराइज ईमेल्स, अगर आपका कोई लंबा ईमेल थ्रेड है व्हिच यू मिस्ड आउट ऑन रीडिंग, सो नाउ यू नो लॉन्गर नीड टू ओपन ईच ऑफ दोस ईमेल्स एंड रीड देम। ऑल दैट यू हैव टू डू इज क्लिक ऑन समराइज ईमेल and Google ka AI feature which is Gemini will summarize that entire email thread for you. Second very interesting feature is Magic Eraser. Agar aap apni photos ko Google Photos mein organize karte hain, then you can use this feature. It is completely free of cost, iske liye koi bhi subscription nahi chahiye. So for example, maine Goa mein sunset ki ek bahut hi beautiful picture click ki thi, but somehow there is a person standing in between and I want to remove that figure. Iske liye all that I have to do is go on edit and then click on tools. Tools mein mere paas magic eraser ka option hai. All that I have to do is put a brush on top of this image and that's it. That image is gone. And now I have a clear picture of a sunset with nobody standing in between. Third very interesting feature announced by Google is Ask Photos. Of course, aapki Google Photos library mein hazaron photos hoti hain. Now this AI feature of Google will help you find a particular photo from their entire library of photos based on a single prompt. Apart from this, Google announced its new AI Imagen 3 for creating images, VO for creating videos with a single text prompt, and generative music for creating music with text prompt. Google ke major new AI features ke bare mein detail mein samajhne ke liye aap mera ye wala video dekh sakte hain. Last but not the least, Canva also announced several new AI features. So when you log into Canva and go to Magic Studio, magic mostly means AI. Yahan pe search wale box mein if I type Instagram post for an AI channel, now Canva Magic Design will give me a lot of posts for my AI channel. Isme designs to already hote hi the. Now all of this text is AI generated. I can customize any of these template options.
इसमें मैं चाहूँ तो इस टेक्स्ट को भी चेंज कर सकती हूँ अपने अकॉर्डिंग, चाहूँ तो मैं इसमें इमेज को भी चेंज कर सकती हूँ. सो नाउ व्हेन आई क्लिक ऑन रीसाइज एंड मैजिक स्विच, तो ये मुझे ऑप्शन देता है दैट आई कैन ट्रांसलेट दिस पोस्ट इनटू एनी अदर लैंग्वेज. यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे लैंग्वेज ऑप्शंस हैं. बाय चेंजिंग द लैंग्वेज आई कैन मल्टीप्लाई द रीच ऑफ माय पोस्ट. नॉट जस्ट दिस, आई कैन इवन ट्रांसफॉर्म दिस पोस्ट इनटू अ डॉक्यूमेंट. आई कैन मेक अ समरी आउट ऑफ इट. इससे मैं ब्लॉग पोस्ट भी बना सकती हूँ, चाहे तो इसी टेक्स्ट पे बेस्ड एक एग्जीक्यूटिव समरी, प्रेजेंटेशन का आउटलाइन, कंटेंट मार्केटिंग आइडियाज जनरेट कर सकती हूँ, लिंक्डइन का पोस्ट क्रिएट करवा सकती हूँ, मार्केटिंग का वीडियो स्क्रिप्ट, डिटेल प्रोजेक्ट प्लान. A lot of ideas from a single post generated by Canva and AI. Now to even change this text, I get an option of magic write. Either I can shorten this text, I can get this text rewritten, iska tone aur fun kara sakti hoon, formal banwa sakti hoon, I can change the tone and the voice of this text, or I can even give it a custom prompt. Jo bhi prompt main isko dungi, uske according ye pura text rewrite hoke aa jayega. So basically what Canva has done here is ki usne apne existing design templates or features mein AI aur ChatGPT ko integrate karke usko aur bhi zyada usable bana diya hai. Now Canva even gives you a text to image option. Yahan is box mein describe what you would like to create mein I'm writing a cat sitting on a beach chair sipping coffee and I click on generate image. And with a single text prompt I get four different image options. Yahan niche style se I can even select what particular style do I want of this image. Do I want it to be a neon style or a soft focus, minimalist, vibrant? And it will change that image as per the style selected. Aur agar mujhe isme se koi bhi image nahi pasand aati hai, then I can simply click on generate again to get four new image options from Canva. Isme aur bhi AI features hai jaise magic edit, which can edit your picture with a single prompt, magic grab and magic expand. मैजिक एक्सपैंड को यूज करके बेसिकली आप एक छोटी इमेज को पूरे पेज में अगर एक्सपैंड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं. सो फॉर एग्जांपल इफ आई हैव दिस फोटो आई कैन जस्ट सिलेक्ट इट, गो ऑन एडिट इमेज, क्लिक ऑन मैजिक एक्सपैंड. इसमें आई कैन सिलेक्ट व्हाट साइज ऑफ द इमेज डू आई वांट इट टू बी आफ्टर एक्सपेंशन. सो आई एम सिलेक्टिंग होल पेज एंड व्हाट दिस एआई फीचर हैज डन इज जो छोटी इमेज थी उसके अराउंड इसने कुछ फिलर्स बना के उस पूरी इमेज को कम्प्लीट कर दिया है. इट इज गिवन मी फोर डिफरेंट ऑप्शन जिसमें से आई कैन सिलेक्ट व्हिचएवर वन आई लाइक द मोस्ट. इन सब में से कौन सा फीचर आपको बेस्ट लगा मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के जरूर बताइए. ऐसे AI अपडेट का मंथली राउंड अप अब मैं रेगुलरली लाती रहूंगी. तो अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो डू हिट दैट लाइक बटन एंड शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स. अगर आप ChatGPT 4o के नए फीचर्स को यूज करके एक इनकम सोर्स जनरेट करना सीखना चाहते हैं तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं. सो हैज योर AI कोच साइनिंग ऑफ. सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो.